Everyone, welcome back to Mamta Naval Tutorial, and in this video we're going to continue the same chapter, which is neural control and coordination. This is the chapter 21 of 11th class biology book, aur ye jo video hai ye part 3 hai guys. Agar aap part 1 aur part 2 bhi dekhna chahte hain to uska link maine description box mein dal diya hai, aap wahan se dekh sakte hain. To chaliye start karte hain apne naye topic se. अब बात करते हैं सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग की. सेंसरी रिसेप्शन कैसे किया जाता है, प्रोसेस कैसे किया जाता है. तो हमारे जो दो सेंसेस होते हैं इसके ऊपर हम प्रॉपरली बात करेंगे. एक होती है आई जो कि विजन में हेल्प करती है, दूसरा होता है ईयर जो कि हमारे हियरिंग में हेल्प करता है. तो इन दोनों के ऊपर हम प्रॉपरली बात करेंगे, ये क्या होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं और कैसे ये जो ब्रेन होता है ये कैसे इसको जज कर पाता है कि क्या हमने देखा है, कैसे इमेज बन पाती है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं आई वाला जो ऑर्गन होता है वो ये लोकेटेड कहाँ पे होता है. जो सॉकेट्स बने होते हैं स्कल के अंदर जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, उसके अंदर ये लोकेटेड होता है. और आई जो होता है वो कंपोज होते हैं तीन लेयर के. जो हमारे पास बाहर की जो तीन लेयर होती है यानी जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसको स्कैलरा बोलते हैं, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है. कॉर्निया जो होता है वो इनर लेयर होती है सबसे नीचे वाली, और इन दोनों के बीच में जो होती है वो कोरॉइड लेयर होती है जो कि मिडल लेयर होती है जिसके अंदर सारी की सारी ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है. ये होता है एक आई का स्ट्रक्चर जिसके अंदर सबसे बाहर वाला जो आपको एक कर्व टाइप का जो एरिया दिखता है आई के अंदर वो कॉर्निया होता है. उसके पीछे जो होता है वो लेंस होता है, और लेंस के साइड साइड में कौन से होते हैं जिससे सपोर्ट किया हुआ होता है वो इरीज होता है. इरीज क्या होते हैं, ये जैसे आपको जो कलर दिखते हैं जो जो अलग अलग कलर्स होते हैं आईज के, तो वो किसकी वजह से होते हैं, इरीज जो होता है उसके अंदर पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से ये कलर आपको अलग अलग दिखते हैं सबकी आईज में. और जो सिलरी बॉडीज होती हैं ये लेंस के और जो इरीज होते हैं उसके दोनों को ज्वाइन करके रखती हैं जिसकी वजह से जो प्यूपल यानी बीच वाला जो पोर्शन होता है जिससे लाइट अंदर जाती है रेटिना के ऊपर, तो यहाँ से जो आई पास होगी तो सॉरी जो लाइट पास होती है उस वाले जो पोर्शन को यानी ज्यादा या कम जो प्यूपल का जो साइज होता है वो ज्यादा कम होता रहता है वो कौन कंट्रोल करता है, सिलरी बॉडी जो होती है वो कंट्रोल करती है. ये जो लास्ट वाला जो पीछे वाला जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये सारा का सारा रेटिना वाला पोर्शन होता है जहाँ पे इमेज बनती है. स्कैलरा और कोरॉइड जो होती है वो लेयर होती है हमारी नॉर्मल आई की. ऑप्टिक नर्व्स होती हैं यानी जितने भी यहाँ से जो सिग्नल्स वगैरह जाएंगे वो सारे के सारे सिग्नल्स किसमें ऑप्टिक नर्व्स जो होंगी उसके रूप में बाहर जाएंगे साधन ब्रेन में जाएंगे और जहाँ पे वो जज किया जाएगा कि हमने क्या इमेज देखी है. जो फोबिया होता है ये एक पोर्शन होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसके हम प्रॉपरली बात करेंगे. और ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा होता है कि यहाँ पे कभी भी कोई इमेज नहीं बनती क्योंकि यहाँ वाला जो रेटिना वाला पोर्शन होता है वो यहाँ पे कोई सेल्स नहीं होते, जो रॉड सेल्स या फिर जो कोन सेल्स वगैरह होती है वो नहीं होती यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, और बाकी सारे के सारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं यहाँ से जा रही होती है, तो इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट किया जाता है. और अगर बाई चांस हमारा जो आई में जो एंगल बन रहा होता है यानी जो इमेज का अगर एंगल यहाँ पे बन रहा होता है, अगर यहाँ बनता है तो जो बच्चे होते हैं वो मतलब बचपन से ही ब्लाइंड होते हैं, यानी अगर यहाँ पे एंगल बनेगा तो वो ब्लाइंड होंगे, यहाँ पे कोई इमेज नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ पे वो सेल्स ही नहीं होते जो इमेज जनरेट करते हैं. अब देखते हैं इरीज क्या है, ये आपको पता चल गया है. जो विजिबल कलर जो हमें दिखता है वो किसकी वजह से होता है, इरीज की वजह से होता है, इसमें पिगमेंट होते हैं उसकी वजह से आपको कलर दिखते हैं. फिर आते हैं लेंस. लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर सॉरी आईज के अंदर सिचुएटेड होता है. और ये किसके साथ अटैच्ड होता है, सिलरी बॉडी के साथ अटैच होता है जो कि इसको एक प्रॉपर जगह देता है. फिर आता है प्यूपल. प्यूपल कौन सा होता है, जो आईज जो लेंस है उसके अंदर जो पोर्शन बचता है यानी जहां से जो लाइट होती है वो पास हो सकती है उसको हम प्यूपल बोलते हैं. फ्रंट ऑफ द लेंस होता है ये प्रेजेंट होता है. और जो डायमीटर होता है प्यूपल का ये भी चेंज हो सकता है, इरीज जो होते हैं उसके जो फाइबर्स होते हैं उससे भी, और जो सिलरी बॉडी होती है ये दोनों के दोनों मिलके प्यूपल का जो साइज होता है वो रेगुलेट कर सकती हैं. द इनर लेयर इज द रेटिना, और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम रेटिना बोलते हैं जो कि तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, यानी एक गैंग्लियन सेल्स से बनी होती है, बायपोलर सेल से बनी होती हैं और साथ में फोटोरिसेप्टर सेल से बनी होती हैं. तो ये तीनों के तीनों सेल्स रिक्वायरमेंट होती हैं एक नॉर्मल रेटिना को परफॉर्म करने के लिए. विजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन से सेल्स होते हैं, यानी फोटोरिसेप्टर सेल्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. ये दो टाइप के होते हैं हमारे आईज के अंदर, एक कोन सेल्स होते हैं एक रॉड सेल्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज इसे थोड़ा ध्यान रखें.
जो कोन सेल्स होते हैं वो डे लाइट के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं, यानी फोटोट्रॉपिक विजन के लिए ये जरूरी होते हैं। यानी जो दिन में अगर हम देखते हैं तो वो कोन सेल्स वगैरह होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं, साथ में कलर विजन जो होता है वो कोन सेल की वजह से आता है। रॉड सेल जो होते हैं वो नाइट विजन के लिए होते हैं, यानी रात को जो थोड़ा बहुत आप देख पाते हैं वो रॉड सेल की वजह से देख पाते हैं। रॉड सेल के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये अलग होते हैं कोन सेल से? तो रॉड सेल की एक तो शेप तो अलग होती है, साथ में इसके अंदर रोडोप्सिन एक केमिकल होता है, एक प्रोटीन होता है जो कि एक पर्पलिश रेड कलर का एक प्रोटीन होता है जिसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट बहुत है कि रोडोप्सिन किस में पाया जाता है या फिर रॉड सेल्स के अंदर क्या ऐसा डिफरेंस होता है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि ये प्रोटीन इसमें अलग होता है, रोडोप्सिन होता है। और आर आर से आप मैच कर सकते हैं कि आर रॉड होता है और आर से रोडोप्सिन होता है, तो दोनों सेम उसी के अंदर आएंगे। तो फिर ये जो होता है ये किसका डेरिवेटिव होता है? विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है रोडोप्सिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाले जो पॉइंट है ये आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा, जो कोन सेल्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ये अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं और जिसकी वजह से जो ये कलर को शो कर पाते हैं, जैसे जो रेड कलर होता है, ग्रीन कलर होता है और ब्लू जो लाइट होती है, इन तीनों को ये अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं और इस हिसाब से विजन को क्रिएट कर पाते हैं। अब बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं वो छोड़ रही होती हैं आईज को, यानी वहां से जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो ब्रेन की तरफ जा रही होती है, तो उस पोर्शन को ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। वहां पे कोई भी विजन नहीं होता, वहां पे कोई भी चीज नहीं बन सकती। इसके पोस्टीरियर पोल के ऊपर यानी जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वहां पे एक और पोर्शन होता है जिसको हम मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं, और एक जो उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको हम फोविया बोलते हैं, जो कि हमने आई के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखा था। तो ये क्या करते हैं, ये बेस्ट विजन दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन जो होता है एक विजन का वो सबसे ज्यादा इस पोर्शन पे होता है जहाँ पे फोविया होता है। यानी जो एक ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर आपको जो एरिया दिख रहा था वो फोविया वाला था। ये क्या है, थिन आउट पोर्शन होता है रेटिना का, वेयर ओनली कोन जो सेल्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, यानी सारे के सारे कोन सेल्स जो होंगे वहां डेंसली पैक्ड होंगे और वहां सबसे ज्यादा अच्छा जो विजन होता है वो बन पाता है, जो रेजोल्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है उसके अंदर। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, जो कॉर्निया होता है और लेंस होता है उसके स्पेस को क्या कहते हैं, एक्वस चैम्बर बोलते हैं। इट कॉन्टेन अ थिन वॉटरी फ्लूड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस चैम्बर होता है तो उसके अंदर जो फ्लूड होगा वो एक्वस ह्यूमर होता है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, जो कॉर्निया और लेंस इन दोनों के बीच में, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको हम एक्वस चैम्बर बोलते हैं और एक्वस ह्यूमर जो होता है इसमें जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं। फोविया वाला पोर्शन हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे अगर लाइट हमारी डायरेक्टली यहाँ पे बनती है, जो भी इमेज यहाँ बनेगी वो बहुत क्लियर बहुत साफ इमेज बनती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, फोविया के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा वाला पोर्शन, जो मैक्यूला वाला पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या फोविया वाला। जो फोविया जहाँ पे बनता है, जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से इमेज जो होती है सबसे अच्छी बनती है। जो लेंस होता है और रेटिना होता है इन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है वो विट्रस चैम्बर बोलते हैं उसको, और उसके अंदर जो जेल सब्सटेंस होता है उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म कैसा होता है, जो आई होता है ये अपना मैकेनिज्म प्रॉपरली कर कैसे पाता है। तो सबसे पहले जो लाइट रे होती है वो हमारी आईज के अंदर आनी चाहिए, तो एक विजिबल जो वेवलेंथ होती है सिर्फ वो वाली जो रेज होती है वही हमें एक जो इमेज होती है वो बनवा पाती है। सारी की सारी जो लाइट के अंदर जो सारी की सारी वेवलेंथ होती है वो सारी नहीं होती, सिर्फ विजिबल जो वेवलेंथ होती है वो हमें एक इमेज बना पाती है। तो जो लाइट रे होगी वो कहाँ पे जाएगी, सीधा के सीधा पहले फोकस करेगी रेटिना के ऊपर। तो ये हमारे आई की रेटिना वाला हिस्सा है और यहाँ से हमारी आई इसके ऊपर जो लाइट है वो उसके ऊपर फोकस हुई है। अब क्या होगा, जनरेट पोटेंशियल इम्पल्स इन द रॉड एंड कॉर्न सेल्स। तो रॉड और कॉर्न सेल्स के अंदर एक इम्पल्स जनरेट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑप्शन वाला पोर्शन होगा यानी लाइट इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फॉर्म ऑप्शन, तो ऑप्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे पोर्शन में, ऑप्शन बनना स्टार्ट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो ऑप्शन होगा इसका स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आने लगेगा। यानी यहाँ जहाँ पे भी लाइट पड़ रही होगी तो उस एरिया के अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट होने लगेगा, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है।
यानी पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन दी फोटो रिसेप्टर सेल्स. तो फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन से होते हैं, जैसे कोन सेल्स, रॉड सेल्स, वो वाले सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी आयन्स जो होते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज वगैरह होता है वो थोड़ा जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजमेंट आती है. और इट प्रोड्यूस अ सिग्नल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन दी गैंग्लियन सेल्स थ्रू दी बायपोलर सेल्स. तो बायपोलर सेल्स हमारे जो रेटिना होता है इसमें तीन चीज होती है, गैंग्लियन सेल्स होते हैं, बायपोलर और फोटो रिसेप्टर. तो फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर कुछ डिफरेंस होने की वजह से जो गैंग्लियन सेल्स और बायपोलर सेल्स होते हैं ये एक जनरेट करते हैं एक सिग्नल, जो कि सिग्नल हमारा कहाँ जाता है, दीज इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑप्टिक नर्व्स, जो कि ऑप्टिक नर्व्स हमारी आईज में से निकल रही होती है ब्रेन की तरफ. तो नर्व्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन. तो विजुअल कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन है वहां पे ये ऑप्टिक नर्व्स उस इम्पल्स को लेके जाती हैं, और यहाँ पे क्या होता है जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो एनालाइज की जाती हैं, एंड द इमेज फॉर्मेशन ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन अर्ली मेमोरी. और जो हम पहले से ही कुछ मेमोराइज होती हैं कुछ हमारा एक्सपीरियंस होता है, तो इमेज हमारी जो ब्रेन होता है वो उसको एनालाइज करता है कि क्या चीज हो सकती है ये, और उस हिसाब से हमारी एक इमेज बन जाती है. तो ये तरीका होता है कि कैसे हमारी आई जो होती है वो फंक्शन करती है, कैसे हमें एक इमेज दिखाई देती है. अब बात करते हैं सेकंड जो ऑर्गन है वो बात करते हैं ईयर की. ईयर एक सेंसरी ऑर्गन होता है हमारा, इसका जो मेन काम होता है ये दो होते हैं, हियरिंग होती है साथ साथ में मेंटेनेंस करता है जो बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है ईयर हमारा. ये तीन मेजर सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है, यानी एक आउटर ईयर होता है, एक मिडल ईयर होता है और एक इनर ईयर होता है. जो आउटर ईयर होता है वो कंसिस्ट होता है पीना से और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस से, जो कि एक कैनाल होती है. जो पिना होता है इसका क्या काम होता है, यानी जितने भी वाइब्रेशंस वगैरह जो बाहर से एयर से वाइब्रेशन आ रहे हैं वो बनाना, उसको एक जगह कलेक्ट करना काम किसका होता है, पिना का. जो हमारा जो आउटर जो ईयर होता है जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी हिसाब से बना हुआ होता है कि बाहर से जितने भी वाइब्रेशंस होंगी वो सारी की सारी एक साइड पे एक हमारे पोर्शन के अंदर आ सके. तो इस हिसाब से हमारा जो ये पिना होता है, यानी जो बाहर का जो आउटर ईयर आपको दिख सकता है उसको हम पिना बोलते हैं, और ये इसका फंक्शन जो होता है वो सिर्फ कलेक्शन होता है वाइब्रेशन का. फिर आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ब्रेन जो ईयर ड्रम होता है वो बोलते हैं. टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं, कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड. तो अंदर की साइड पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और बाहर की साइड पे कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग होती है इसकी, जिसकी वजह से हमारे जो जिसको हम बोलते हैं कि ईयर जो कान का पर्दा जो होता है उसको क्या बोला जाता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है. जो मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर जो होगा वो किसके साथ कंटेन होता है, इसके तीन बोन्स होती है इसके अंदर, एक होता है मिलियस, इनकस और स्ट्रेप. तो ये तीन ऐसी बोन्स होती हैं जो कि एक चेन लाइक फैशन के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं और ये मिडल ईयर को बनाती हैं. जिसके अंदर जो मिलियस होता है ये कहाँ पे होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड होता है, यानी जहाँ पे ईयर ड्रम होता है उस वाले पोर्शन के साथ ये अटैच्ड होता है. और जो स्ट्रेप वाला पोर्शन होता है, स्ट्रेप वाली जो बोन होती है ये कहाँ पे होती है, ओवल विंडो जो होती है कोकिलिया की वहां के ऊपर ये प्रेजेंट होती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये चीज हमेशा याद रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है. तो मिडिल ईयर की ये जो तीनों बोन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड होती है ये आपको याद रखना है. फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसका ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, यानी जो मिडिल ईयर होता है उसके साथ कनेक्टेड होती है, साथ में ये फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होती है, यानी बीच में एक कैविटी टाइप की सिस्टम होता है जिसकी वजह से जो ईयर ड्रम होते हैं इसमें प्रेशर जो होता है वो इक्वलाइज किया जा पाता है. तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे अगर बाई चांस बहुत तेज वाइब्रेशन आ रही है जिसकी वजह से जो हमारा ईयर ड्रम है वो खराब हो सकता है, फट सकता है, तो उसकी बजाय जो ज्यादातर जो प्रेशर होगा वो इस ट्यूब से बाहर निकल जाएगा, जो फेरिंग्स वाला पोर्शन होगा उसके अंदर आ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो ईयर ड्रम्स वगैरह होते हैं वो प्रोटेक्ट होके रह सकते हैं. लैबरिंथ जो होता है वो क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर होता है जिसके अंदर सारी में जो फ्लूइड होता है वो बना हुआ होता है. ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जो आवाज होती है उसको क्लियर बनाने के लिए भी और उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको बढ़ाने के लिए भी. फिर आता है कोकिलिया. कोकिलिया कौन सा होता है, वो पोर्शन होता है जो कि कॉइल्ड पोर्शन होता है लेबरिंथ का ही. फिर आता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. कॉर्टी का जो ऑर्गन होता है वो क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसुलर मेम्ब्रेन विच कॉन्टेन हेयर सेल्स.
विच एक्ट एज अ ऑडिटरी रिसेप्टर. तो इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि जो हियरिंग रिसेप्टर जैसे बोला जाएगा, या फिर ऑडिटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो कौन से होते हैं. हेयर सेल्स जो होते हैं हमारे ईयर के अंदर, वो ऑडिटरी रिसेप्टर का काम करते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है टेक्टोरल मेम्ब्रेन. ये कहाँ पे होती है, अबव द रो ऑफ हेयर सेल्स, जो हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, इन अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है. आपको बस ये टर्म्स याद रखनी है, इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये नहीं है. जो इम्पोर्टेंट है वो मैकेनिज्म है, कि कैसे कैसे हमारा मैकेनिज्म जो होता है हियरिंग का, वो परफॉर्म कैसे किया जाता है. और कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है कि ये कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होती है. वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है वो कहाँ पे होता है, कोकिलिया के, जो कोकिलिया होता है उसके ऊपर अबव प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पॉस्चर. तो बॉडी का बैलेंस और पॉस्चर जो होता है वो ये जो एपरेटस होता है वेस्टिबुलर एपरेटस वो मेंटेन करके रखता है. तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ईयर का, जो कि बाहर वाला पिना वाला पोर्शन होता है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है जो कि हमारा एक्सटर्नल ईयर के अंदर आएगा. जो बीच वाला, जो ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, इसके अंदर जो बोन्स वगैरह हैं, जो कि मेलस इनकस्टेड जो बोन्स होती हैं, ये किस में आती हैं, मिड ईयर में आती हैं. और जो कॉकिलियर पोर्शन वाला होता है, ये सारा के सारा किस में आता है, जो इनर ईयर होता है उसके अंदर आता है. तो ये स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल हमारे इनर जो ईयर होता है उसका. अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है हियरिंग का. तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सटर्नल जो ईयर होगा वो रिसीव करेगा साउंड वेव को. जैसे ही उसने रिसीव किया, वो कहाँ पे जाएगा, जो ईयर ड्रम होगा वहां पे सारी की सारी जो वेव्स होंगी वो पहुंच जाएंगी. तो डायरेक्ट देम टू द ईयर ड्रम. द ईयर ड्रम वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव. तो जिस हिसाब से भी साउंड वेव होंगी, ज्यादा होंगी कम होंगी, जिस हिसाब की भी होंगी, तो उस हिसाब से जो हमारा ईयर ड्रम होगा वो धीरे धीरे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा. तो ये वाइब्रेशन क्या होगा, आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर ऑसिकल. जो ऑसिकल्स जो होते हैं ईयर के अंदर, यानी जो हमारी तीन जो बोन्स हैं, मेलस इनकस और स्टेप जो होगी, ये तीनों के तीनों मिलके क्या करेंगे, ये धीरे धीरे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, जिस हिसाब से हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा होगा. अब वाइब्रेशन जो होगी वो कहाँ पे चली जाएंगी, ओवल जो विंडो होगी उसके अंदर चली जाएंगी, क्योंकि जो हमारे पास जो स्टेप होता है वो ओवल विंडो के साथ अटैच होता है, और जो मिलस जो बोन होती है ये किसके साथ अटैच होती है, ईयर ड्रम के साथ अटैच होती है. तो ये सारी की सारी एक दूसरे से अटैच है, तो वाइब्रेशन पहले इसमें आती है, फिर इसमें आती है, फिर इसमें आती है, और इसकी वजह से ओवल विंडो जो होती है उसके अंदर आ जाती है. तो वाइब्रेशन पास थ्रू द फ्लूइड ऑफ द कोलिया कोकिला. तो कोकिलिया के अंदर जो फ्लूइड होता है, फिल्ड फ्लूइड होता है, उसके अंदर अब वाइब्रेशन चली जाती है. ये जो पोर्शन होता है, यानी इनर ईयर का जो पोर्शन होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, इट जनरेट वेव्स इन दी लिम्स. तो लिम्स के अंदर एक वेव्स जनरेट होने लग जाती हैं, और ये वेव्स क्या करती हैं, यानी जैसे फ्लूइड जो होगा वो मूव करेगा. तो मूव करेगा, अगर हमारे पास जैसे ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, और जो ये बीच वाला जो फ्लूइड वाला पोर्शन होगा वो अगर मूव करेगा, तो उस हिसाब से हमारे हेयर जो होंगे वो भी मूव करेंगे. तो मूवमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड टू द हेयर सेल्स, बेंड द हेयर सेल्स. तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन होगी, जिस हिसाब से मूव करेगी उस हिसाब से हमारे हेयर सेल्स जो होंगे वो भी बेंड होना स्टार्ट करेंगे, पासिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन. तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन जहां से है उसके हिसाब से हमारी जो मेम्ब्रेन, ये जो हेयर सेल्स होंगे, ये सारे के सारे मूव करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक नर्व इम्पल्स जो होगी वो जनरेट होगी. और ये कहाँ से जाएंगी, यानी ए फ्रेंट जो न्यूरोन होगा वो उसको लेके जाएगा, यानी जहां पे भी सेंसेशन होती है जिस ऑर्गन से, तो वहां से ए फ्रेंट न्यूरोन जो होता है वो लेके जाता है ब्रेन तक. अब ये कहाँ पे लेके जाएगा, ब्रेन के उस वाले पोर्शन में जहाँ की, जहाँ पे ऑडिटरी जो नर्व्स फाइबर्स वगैरह होती है, यानी जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर, उस ब्रेन के पोर्शन के अंदर ये लेके जाया जाएगा, और वहां पे इसको एनालाइज किया जाएगा और साउंड को रिकॉग्नाइज किया जाएगा. ये भी डिपेंड करता है कि पहले मेमोरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये जो साउंड होगी ये क्या, किस चीज की साउंड है, क्या चीज बोली जा रही है, तो उससे आपको पता चल जाएगा. तो ये ब्रेन होता है बाद में इसको डिसाइड करता है कि क्या साउंड आ रही है. अब हम इन शॉर्ट इसका पूरा फंक्शन देख लेते हैं कैसे होता है. जो पिना होता है इसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल जितने भी जो वाइब्रेशन होगी वो सारी यहाँ से आएंगी. कहाँ पे जाएंगी, जो एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल होंगे उसके अंदर जाएंगी. यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगा जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा. इसकी वजह से जो ये बोन्स होंगी छोटी छोटी, ये सारी की सारी वाइब्रेट करेंगी. और वाइब्रेशन, अब जो ये वाइब्रेशन होंगी ये जाएंगी इनर ईयर के अंदर, जो कि कोकिलिया वाला पोर्शन होगा. यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है ये,
इसके अंदर फ्लूइड होगा, जो वाइब्रेशन जैसे मूव करेगी उस हिसाब से फ्लूइड भी मूव करेगा। और इनके अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो जैसे जैसे हमारा जो फ्लूइड होगा वो मूव करेगा, उस हिसाब से हेयर जो होंगे वो भी मूव करेंगे। और वो हेयर्स मूव करने की वजह से एक इम्पल्स जनरेट होगी, और वो इम्पल्स सारी इकट्ठी होकर कहाँ से जाएगी, यहाँ से जो नर्व्स होंगी वो लेके जाएंगी, एफरेंट नर्व्स जो होंगी वो लेके जाएंगी, और वहां ब्रेन के अंदर इसके फंक्शन किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये क्या चीज है, किस हिसाब की वाइब्रेशन है, उस हिसाब से जो ब्रेन होगा वो बता देगा कि ये ऐसा कुछ बोला जा रहा है या फिर ऐसा कुछ एनालिसिस हो रहा है। तो ये सारा का सारा फंक्शन होता है एक ब्रेन का। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये भी खत्म होता है। आई होप आपको इसके सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी में भी डाउट है, नहीं समझ में आया, तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।